रात के 12:35 हो रहे हैं एंड अभी जस्ट हमने स्विगी से दो तीन सामान मंगवाया है क्योंकि आटा खत्म हो गया था तो वो मंगवाया है। ये देखो चीकू अनबॉक्सिंग करते हुए। चीकू क्या कर रहे हो आप? ये अनबॉक्सिंग थोड़ा सा, आप सामान निकाल रहे हो थैले से, जल्दी निकालो। तो गाइस ये सामान निकालते हैं क्योंकि रात को हरकत आप देख सकते हो कैसे चल रहा है। बत्ता है क्या? दी आप क्या कर रहे हो इस टाइम? वर्किंग, मेरा काम चल रहा कब तक है चलेगा? सुबह 6:30 बजे तक। तब तक आप काम करते रहोगे? नैप भी तो यस, लोगे बीच में? नैप तो दे ही लेती हूँ मैं। हाँ पापा का ही तो ऑफिस है। वे भाई बस कर दे, बत्तख मत बन इतनी। यार रात के 3 बज रहे हैं एंड मैं अपनी एडिटिंग कर रहा हूँ सुबह के ब्लॉग के लिए ताकि आप लोगों को टाइम पे ब्लॉग मिल सके। आप देख सकते हो टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 3:10, तो एडिटिंग करता हूँ उसके बाद सोता हूँ। हे गाइस वेलकम बैक टू ब्लॉग। सो मैं जस्ट अभी सोकर उठा, टाइम हो रहा है 12 एंड मम्मी एंड दी तो मासी घर गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था उन्हें कहीं जाना है तो वो दिल्ली गए हुए हैं, तो अभी खुद ही चाय बनानी पड़ेगी मुझे और चीकू अपने लिए। ये चीकू यहाँ पे बैठा हाय है, गाइस, बनाते हैं फिर खुद चाय। तो यार आज खुद ही चाय बनानी पड़ रही है क्योंकि ना मम्मी है ना दी है, वो लोग दिल्ली गए हुए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो आज खुद ही बनानी पड़ेगी। तो चीकू यहाँ पे आके बैठ गया, देख रहे हैं कि चाय कैसे बनाते हैं मामा। तो पहले चाय बना लेते हैं फिर चाय पीते हैं। सो चाय तो मैंने बना ली है एंड अब मैं अपनी बालकनी में आ चुका हूँ एंड मौसम के मज़े ले रहा हूँ। आजकल के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही ठंड है एंड अच्छी बात है, ठंड भी होनी चाहिए तभी तो पता चलेगा कि भैया सर्दी भी कुछ होती है। तो बस मौसम का आनंद लिया जा रहा है, चाय और ऐसा मौसम विदाउट धूप अलग ही मज़ा होता है, अलग ही कॉम्बिनेशन होता है। तो इसको पीते हैं, ख़त्म करते हैं फिर नहाएंगे। वे नहा लिया तू? अब जा कपड़े वपड़े तो पहन ले, या वो भी मैं पहनाऊँ? पहन रहा हूँ। जल्दी पहन, ये छोटा सा बच्चा इतना ज्यादा समझदार है, खुद ही कपड़े वपड़े पहन रहा है, किसी की इसको नीड ही नहीं है, अभी से इंडिपेंडेंट बन चुका है बच्चा। तो मेरा नहाना तो हो चुका है एंड अभी लंच का टाइम हो चुका है। तो भाई ने कहा कि लाइक पिज्ज़ा ऑर्डर कर देते थे तो भाई ने ऑर्डर करवा दिया, तो अब उसी का वेट कर रहे हैं, वो खाएंगे पिज्ज़ा। क्यों जी को खाएगा तू? वे वैसे आलू का पराठा खा चुका है बट अब पिज्ज़ा जैसी चीज़ कौन छोड़ेगा, तो ये पिज्ज़ा भी खाएगा तो पहले वो खाते हैं। हमारा लंच आ चुका है जो मैंने आपको बताया था कि पिज्ज़ा ऑर्डर करा है तो वो आ चुका है। ये देखो चीकू लेके बैठ गया, सबसे पहले खा चुका है एक पराठा, तब भी लेके बैठ चुका है कि हाँ खाना है पिज्ज़ा, और अभी मना करता था नहीं मैं नहीं खाऊंगा, चलो कोई नहीं पिज्ज़ा खाते हैं एंजॉय करते हैं। मन था कि मेरे को मामा छत पे लेके जाओ, आप कल गए थे मुझे भी जाना है तो मैं उसे लेके जा रहा हूँ। छत पे आए थे और छत पे आने के बाद लाइक पोपट हो गया, या तो बारिश हो रही है आपको दिख ही रही होगी यार, अब तो ठंड भी लगने लग गई है। और सच बोलूं चाय पीने का मन कर रहा है बट मम्मी है नहीं, तब मेरा तो मन कर नहीं रहा खुद बनाने का। तो अब जब वो आएंगी तभी पीऊंगा मैं चाय। अब नीचे चले, चलो नीचे चलते हैं अब क्योंकि बारिश हो रही है कुछ ज्यादा ही। टाइम हो रहा है 7 एंड मैं जो सबने पूजा कर कराया, मैंने अभी दी का कॉल आया था तो उन्होंने बताया कि लाइक वो अभी जाम में फंसे हैं तो उनको आधा घंटा लगेगा, तो मेरे को तब तक वेट करना पड़ेगा चाय के लिए क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं खुद तो बनाने से रहा, सुबह बना लेती एक बार बस बहुत है, अब दोबारा नहीं बनाऊंगा, वेट करना मंजूर है। तो जब तक आते नहीं तब तक वेट करते हैं। चीकू ये रहा, ये देखो इसकी हरकतें, कंबल अपने ऊपर लेके कभी व्लॉगिंग देता रहता है कभी कुछ देता रहता है, बस इसका यही चलता है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेट्स वेट। राजेश, क्या कह रहा है राजेश चीवू, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, राजेश की वीडियो देख रहा था। राजेश कौन है? राजेश तो गोलगप्पे वाले का नाम है। मेरा दोस्त है उसका नाम अच्छा राजेश, राजेश राजेश तो अंकल शर्मा, वाला नाम होता है। राजेश शर्मा। चीवू क्या बता रहे थे अब आप सबको बताओ। मेरे ट्यूशन में एक छोटी सी 5 साल की बच्ची आती है, उसका नाम मिट्टू है। मिट्टू हाँ, मिट्टू मिट्टू वो तो तोते का नाम होता हाँ, है। मिट्टू। तो
तो टाइम हो रहा है 9, तो अभी थोड़ी देर पहले ही दी है, मम्मी आई है तो चाय तो पी नहीं पाया, अब ऊपर आके चाय पीऊंगा कि कुछ खाने की बहुत ज्यादा भूख लग रही है हम दोनों को, मतलब हम तीनों को भूख लग रही है, तो देखते नहीं जाके क्या खाते हैं क्या पीते हैं, फिर आके चाय पियेंगे। चीकू तो मास्क लाना भूल गया था इसलिए इसने अपना हाथ ऊपर रखा हुआ है। इस तरह की मार्केट है हमारी, आप लोग देख सकते हो, ये लोग है मार्केट का, सैंडविच खाने रुके हैं पहले, तो पहला स्टॉप हमारा सैंडविच का है, फिर देखते हैं क्या खाते हैं। चीकू भी आया है, वो तो आपने देखा ही होगा। तो यार मार्केट तो पहुंच चुके हैं, देखते हैं क्या खाते हैं। पहले तो हमने सैंडविच तो ऑर्डर कर दिए, हाँ सैंडविच ऑर्डर कर चुके हैं, पहले सैंडविच खाते हैं फिर देखते हैं, अगर मोमोज मिलते हैं तो वो भी खाएंगे फिर। तो यार सैंडविच का वेट हो रहा है एंड बारिश आ चुकी है, आप देख सकते हो तेज़ हो चुकी है बारिश, वेट कर रहे हैं सैंडविच मिले फिर घर जाएंगे, देखते हैं कितनी देर तक देते हैं। तो हमारा सैंडविच तो आ चुका है, सैंडविच खा लेते हैं। दी चीकू को खिलाते हुए सैंडविच, चीकू खा रहा है। चीकू घर जाए क्या खाएगा, तूने बताया ना कुछ, हाँ ये मामा से भेलपूड़ी बनवाएगा घर जाके और चाय भी तो पियेंगे। सो घर आ चुके हैं नीचे से खा के, अब मम्मी को चाय के लिए बोलते हैं, मम्मी यहाँ बैठी हैं तो अब मम्मी को चाय के लिए बोलते हैं, बहुत देर से वेट कर रहा हूँ आपको पता ही है, 6-7 घंटे से चाय के लिए वेट कर रहा हूँ, तो वो बनवाता हूँ मम्मी से। मैं वो क्या खा रहा है, भेलपूड़ी। किसने बनाई, मामा। तो हम अभी भेलपूड़ी खा रहे हैं और क्या वेट कर रहे हैं, तो किसी का चाय का, और चाय का वेट कर रहे हैं, बस चाय भी आने वाली है 6-7 घंटे बाद। फाइनली मेरी दिन की दूसरी चाय आ चुकी, जिसके लिए मैंने ऑलमोस्ट 6-7 घंटे वेट करता, मम्मी ने सबके लिए चाय बनाई, मतलब मेरे लिए, दी के लिए, अपने लिए, चीकू के लिए, तो चाय ख़त्म करते हैं। चीकू के पापा आए हैं और चीकू के पापा इसकी साइकिल ठीक कर रहे हैं और ये अपनी चेयर पे बैठे घूम रहे हैं। क्या ठीक करवा रहे हैं दीदी, आप क्या बना रहे हो? लो मम्मी, आप मम्मी आपने चाय इतनी कम क्यों दी थी मुझे, बट मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिली ना इतनी कम चाय से, तो मेरे को पीनी पड़ेगी दोबारा, है ना चीकू? के ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं एंड चीकू अपने घर जाने की तैयारी कर रहा है, पैकिंग चल रही है दोनों की। तुम जा रहे हो दोनों? अबे छोड़ ना, तू क्या करेगा जाके, तू क्यों जा रहा चीकू, तू कब आएगा, परसों आएगा, कल क्यों नहीं, तू यहाँ पे है तो इंटरनेट चीकू तो रुक जाएगा चीकू। बाय तो बोल दे सबको, मिलते हैं कल, बाय। हे गाइस, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट।